अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आप लोग को उर्दू की चौथी जमात सबक 7 पढ़ाने जा रही हूँ। सबक नंबर 7 में बहुत ही प्यारी सी नज़्म है तराना हिंद। ये प्यारी सी नज़्म है तराना हिंद। इसको पढ़ने से पहले हम कुछ अल्फाज के माना पढ़ लेंगे, जिसे हमें नज़्म पढ़ने में और समझने में आसानी होगी। तराना हिंद अल्फाज माना: न्यारा, अनोखा, निराला। पर्वत, पहाड़। बुलंद, ऊंचा। रवानी, तेज़ी। धारा, धार, बहाव। गुंचा, कली। हुरमत, इज्जत, आबरू। मसलत, तैनियात। क्या खूब क्या है नियारा हिंदुस्तान हमारा, है जाँ व दिल से प्यारा हिंदुस्तान हमारा। पर्वत है ये हिमालय, ऊंचा बुलंद व बाला। जमुना की है रवानी, गंगा की बहती धारा। है जाँ व दिल से प्यारा हिंदुस्तान हमारा। गुंचों में बागपन है, फूलों की अंजुमन है। रास्ता चमन है, रश्के जहाँ सारा। है जाँ व दिल से प्यारा हिंदुस्तान हमारा। ये तराना हिंद है जो अपने हिंदुस्तान वतन के लिए गुनगुना रहे हैं, गा रहे हैं इसको, कि ये हमें कि ये बहुत ही अनोखा है, प्यारा है, ये हमें अपने जान और दिल से प्यारा है। यहाँ पर्वत है, पहाड़ है, बुलंद ऊंचा हिमालय है, और यहाँ जमुना की रवानी भी है और गंगा की बहाव भी है, धारा भी है। ये हमें बहुत ही दिलो जान से जान और दिल से प्यारा है। ये हमें जान और दिल से प्यारा है। यहाँ गुंचों में बागपन है, यहाँ हर तरफ गुंचों में कली खिली हुई है, फूल लगे हुए हैं, मुस्कुरा रही हैं सब, और सब यही गीत गा रहे हैं। ये हमें दिलो जान से प्यारा है, ये हमारा हिंदुस्तान है, ये हमें अपने जान और दिल से प्यारा है। हिंदू, सिख व ईसाई, मुस्लिम है भाई भाई। इनमें नहीं दुताई, सब है का एक नारा। है जाँ व दिल से प्यारा हिंदुस्तान हमारा। यहाँ हर धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर भाई भाई की तरह, चाहे वो सिख हो, हिंदू हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, सब एक दूसरे के भाई की तरह है और सब एक दूसरे से मिल के रहते हैं। ये हमारे हिंदुस्तान हैं। यहाँ किसी में कोई दुताई नहीं है, किसी सबका एक ही नारा है कि ये हमारा हिंदुस्तान है और हमें जाँ व दिल से प्यारा है, हम सब भाई भाई हैं। यहाँ हर एक धर्म के लोग आपस में मिल के रहते हैं, यहाँ प्यार है, मोहब्बत है, ये हमारा हिंदुस्तान है। हुरमत पे कट मरे हम, लेकिन नहीं झुके हम। ऐ आसमां तूने देखा है ये नज़ारा, है जाँ व दिल से प्यारा हिंदुस्तान हमारा। अब यहाँ ये है, ये हुरमत पे हम कट मरे, अपनी इज्जत और आबरू के लिए, अपने देश की इज्जत और आबरू के लिए हम कट भी सकते हैं, मर भी सकते हैं, और हम नहीं झुकेंगे। और हम आपने आसमां से कह रहा है कि ये नज़ारा तूने देखा है कि अपने हिंदुस्तान के लिए किस तरह से हमारे शहीदों ने अपनी जान को कुर्बान करके अपने देश पे कट गए, मर गए, और अपने देश को झुकने नहीं दिए, अपने देश की आबरू को झुकने नहीं दिए, मिटने नहीं दिए। ये नज़ारा तूने देखा है किस तरह से शहीदों ने अपनी जान कुर्बान करके हमारे देश को की इज्जत को बचाया है। अपना ही वतन है, कुर्बान जान वतन है। कोई गैर हो मसलत हरगिज नहीं गवारा, है जाँ व दिल से प्यारा हिंदुस्तान हमारा। ये अपना वतन है, ये मेरा अपना वतन है, इस पे हमारा अपना जान मान तन सब कुर्बान इस पे, और हमें अब हरगिज नहीं गवारा कि हमारे वतन पे कोई पांव रखे और इस पे हमारे सर पे कोई मसलत हो, तानियात हो, हमारे देश पे कोई तानियात हो। ये हमें अब हरगिज नहीं गवारा, जिस तरह से हमने अपने देश को कि शहीदों ने कुर्बानी देकर, अपनी जान की कुर्बानी देकर इसे बचाया है, ऐसे आज़ाद कराया है, अब ये हमें हरगिज नहीं कि इस पे हमें फिर किसी की नज़र कोई डाले और हम चुप रहें, ये अब हमें हरगिज नहीं गवारा। है जाँ व दिल से प्यारा हिंदुस्तान हमारा, ये हमारा हिंदुस्तान है, ये हमें जान व दिल से प्यारा है, अब ये किसी की बुरी कदम
कदम हमारे सर जमीन पे नहीं कोई रख सकता, अब हमें ये हरगिज गवारा नहीं। इसे हमने अपने जान व दिल से ज़्यादा प्यार किया है और हमें ये प्यारा है। इस नज़्म को अच्छे से याद कर लेना, इसके अल्फाज और माना को भी अच्छे से याद कर लेना। और मैं उम्मीद करती हूँ कि पिछले सबक को भी तुम लोग अच्छे से पढ़ चुके होगे, अच्छे से याद कर चुके होगे। खुदा हाफिज़।